हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी अलोंग विद देयर एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एंशिएंट, यानी कि वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, प्राचीन। एग्जांपल है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लेजेंड्स द रिवर इज़ अ गॉडेस। प्राचीन कथाओं के अनुसार नदी एक देवी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्राउजी, यानी कि सुस्त या फिर नींद से भरा हुआ। आफ्टर हैविंग माई लंच आई फील ड्राउजी, दोपहर के भोजन करने के बाद मुझे नींद आने लगती है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क आई फील ड्राउजी, कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे नींद आने लगती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जॉस्टेड, यानी कि थका हुआ। When we feel tired, I was feeling exhausted yesterday because of fever. कल बुखार के कारण मुझे थकावट महसूस हो रही थी। Second example है, Whenever I return from my office, I feel exhausted. जब भी मैं अपने ऑफिस से लौटता हूँ तो मुझे थकान महसूस होती है। Next word is meticulous, यानी कि अति सतर्क या फिर अति सावधान। My boss is meticulous about every project. मेरे बॉस हर प्रोजेक्ट को लेकर सावधानी बरतते हैं। Every mother is meticulous about taking care of their children. हर माँ अपने बच्चों की देखभाल को लेकर सतर्क रहती है। Next example is eminent, यानी कि श्रेष्ठ या फिर सुप्रसिद्ध। The students were expecting the arrival of an eminent teacher. छात्र किसी प्रतिष्ठित शिक्षक के आने का आशा कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज़ मिटिगेट, यानी कि कम करना या फिर धीमा करना। आई हैव मिटिगेटेड माई एंगर एंड स्ट्रेस, मैंने अपना गुस्सा और तनाव कम कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल टू मिटिगेट हिज एंगर, अपने गुस्से को कम करने के लिए उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ अडोर, यानी कि अधिक प्रेम करना या फिर आदर सत्कार करना। आई ऑलवेज अडोर माई मदर, सी इज़ माई ग्रेट टीचर, मैं हमेशा अपनी माँ की पूजा करता हूँ, वह मेरी महान शिक्षक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी शुड अडोर आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ अभोर, यानी कि घृणा करना या फिर नफरत करना। एग्जाम्पल है, I avoid eating medicine, but whenever I face any health issues, I have to eat medicine to recover my health. मुझे दवा लेने से नफरत है, लेकिन जब भी मुझे कोई स्वास्थ्य समस्या आती है, मुझे अपनी सेहत को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। Second example है, I avoid people who tell lies. मैं झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत करता हूँ। Next word is riveting, यानी कि दिलचस्प। एग्जाम्पल है, द न्यूज़ अबाउट चंद्रयान 3 वॉज वेरी रिविटिंग एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। चंद्रयान 3 के बारे में खबर भारत के लिए बहुत उत्साहजनक और गर्व का क्षण था। सेकेंड एग्जाम्पल इज़, आई रेड द 400 डेज बाई चेतन भगत विच वॉज सो रिविटिंग दैट आई रेड इट मेनी टाइम्स। मैंने चेतन भगत द्वारा लिखी गई 400 डेज नॉवल पढ़ा, जो इतनी दिलचस्प थी कि मैंने इसे कई बार पढ़ा। लास्ट वर्ड इज़ विलिफाई, यानी कि बदनाम करना। शी हैज़ बीन विलिफाइड एंड मिसअंडरस्टूड बाय हर कम्युनिटी, उसके समुदाय द्वारा उसकी निंदा की गई और उसे गलत समझा गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, पीपल ट्राई टू विलिफाई अदर्स व्हेन दे सी देम ग्रोइंग, जब लोग दूसरे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं।